हेलो व्यूवर्स, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो सीरीज 15 बेसिक इंग्लिश फॉर न्यू लर्नर्स। सीखें अंग्रेजी शुरू से। सिंपल प्रेजेंट टेंस, नेगेटिव्स एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो मेरे हेलो पे जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे जाए, जो मेरे वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है LIN के लिंक, उसको दबाए, या फिर जो वीडियो के बीच में आता है वॉच ऑन यूट्यूब, आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं मेरी पूरी वीडियो। नेगेटिव सेंटेंस में आज डिस्कस करूँगी। मैंने सिंपल सेंटेंस यूज़ करा था, सिंपल में हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता है, मगर जो हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें डू और डज का यूज़ होता है। तो देख लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे जो होते हैं, जो मैं बार बार बताती हूँ, ही शी इट, उसके साथ यूज़ होगा डज। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, आई यू वी दे, उसके साथ यूज़ होगा डू। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह है कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद क्या लगेगा, डू नॉट या डज नॉट। डू नॉट हमारा प्लूरल के साथ, डज नॉट हमारा सिंगुलर के साथ। उसके बाद हमारा लगेगा वो फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। नेगेटिव सेंटेंस, आई डू नॉट गो देयर। आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद हमने लगाया डू नॉट। I do not go there. मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। He does not go to the market. वह बाज़ार नहीं जाता है। He हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगा है, does not. You do not obey your parents. तुम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते। I never abuse anybody. मैं कभी किसी को गाली नहीं देता। कभी किसी, मतलब जो काम कभी नहीं करते उसके लिए नेवर यूज़ होता है। यहाँ पे हमने डू नॉट या डज नॉट नहीं यूज़ करा, यहाँ पे नेवर यूज़ करा है। नेवर भी हमारे नेगेटिव में आता है और नेवर कभी नहीं के लिए यूज़ होता है। आई नेवर अब्यूज़ एनीबडी, मतलब कि मैंने कभी किसी को गाली नहीं देता। ऑनेस्ट मैन डू नॉट टेल अ लाई, ईमानदार आदमी झूठ नहीं बोलता। इंट्रोगेटिव मैं आपको बता दूँ शुरू करने से पहले, इंट्रोगेटिव हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, दूसरा हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब डू और डज, और क्वेश्चन वर्ड मतलब कि हमारा व्हाट, विच, व्हाई, व्हेन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये हमारे क्या है, प्रश्नवाचक वर्ड शब्द, मतलब कि क्वेश्चन वर्ड। तो इसके यहाँ पे भी सेम रूल है, सिंगुलर के साथ लगा है डज और प्लूरल के साथ लगा है डू। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमारा होता है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, वो डू डज से ही स्टार्ट होता है। डू डज से स्टार्ट होगा, फिर हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जो हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर उसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस वही रहेगा। मतलब पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट। आइए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जो हमारे इस इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है, डू यू वॉन्ट टू कम विद मी। डू हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, ठीक है, वॉन्ट वर्ब। डू यू वॉन्ट टू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो। जो हमारे फर्स्ट है, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं उसमें क्या पहले आता है, और जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उसमें कब, क्या, क्या, कहाँ, कैसे, ये जो हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं वो बीच में आते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, डू यू लाइक माई वीडियो, क्या तुम मेरी वीडियो को पसंद करते हो। डज शी लिव इन दिल्ली, क्या वह दिल्ली में रहती है। Do you understand English? क्या तुमको अंग्रेज़ी समझ में आती है। Do you know about moon eclipse? क्या तुमको चांद ग्रहण के बारे में पता है। जो इंट्रोगेटिव सेकेंड है वो हमारा, देखिए क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, जैसे what, why, where, how, ठीक है, what do you want to say? तुम क्या कहना चाहते हो। Why don't you understand me? तुम मुझे क्यों नहीं समझते। Where does she live? वह कहाँ रहती है। Why do you do? What do you do? तुम क्या करते हो। How do you go there? तुम वहाँ कैसे गए। How does she come here?
वह यहाँ कैसे आई? हाउ डू यू नो हिम? तुम उसको कैसे जानते हो? ठीक है, ये थे हमारे कुछ सेंटेंस जो हम लोग डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, और आप इसको अपने डेली यूज़ में आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आराम से इसको बोल सकते हैं। आप अपने घर में ही बोल सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए। और इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको लिखें और पढ़ें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में प्रैक्टिस करिए, उससे ही बोलना आएगा। ये थे हमारे कुछ सेंटेंस जो मैंने किए आपके साथ शेयर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट एज मच एज यू कैन। थैंक यू, टिल देन टेक केयर।